हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, संपूर्ण संविधान जो है जिसको हम वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं, आज का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने संपूर्ण भारतीय संविधान के दो वन लाइनर पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए थे। आज का जो वीडियो है ये टोटली डेडिकेटेड है संविधान सभा और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे। जो जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनकी जानकारी आज की वीडियो में वन लाइनर के रूप में हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। और दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन जो है सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में उसको जरूर प्रेस करें जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप प्राप्त करके उनका लाभ प्राप्त करें। तो पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल हमारा, भारतीय संविधान को किसके द्वारा निर्मित किया गया था, मतलब भारतीय संविधान जो बना वो किसके द्वारा बना। तो भारतीय संविधान जो बना था वह संविधान सभा के द्वारा बना था। किसके द्वारा बना था? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। जो चुनाव थे संविधान सभा के लिए वो कब संपन्न हुए? तो चुनाव संपन्न हुए संविधान सभा के लिए 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण तिथि है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें जो प्रथम अधिवेशन था संविधान सभा का वह कहां पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। और जो 9 दिसंबर 1946 जो ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थाई अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र था वह कब हुआ? वह हुआ 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि अभी चर्चा की, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्यों बनाए गए थे, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये उम्र में वरिष्ठ थे सबसे। तो उम्र में वरिष्ठता के कारण इनको, जो कि एक भारतीय एक मानसिकता होती है, भारतीय एक रिवाज होता है कि जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सम्मान किया जाता है, तो इसीलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था। यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने? ये बने 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह कौन था। जैसे हर चीज में एक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, तो जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा का वो कौन था? तो वो थे वीएन राव। जो वीएन राय थे, वीएन राय को संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था वह नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की गई थी। तो कुल कितनी समितियां थी संविधान सभा में? तो वो थी कुल 13। जैसे झंडा समिति, प्रारूप समिति, संघ समिति, और ये जो समितियां थी उनकी संख्या कुल कितनी थी? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे उसमें कुल 7 जो मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? कौन सा आधार था जिसके आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए जाते थे? तो यह है सहमति और समायोजन। किस आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर ये सारे निर्णय लिए जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो यह है संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संविधान प्रदान करने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया? तो भारत को संविधान प्रदान करने का जो प्रस्ताव था वह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना संविधान सभा के द्वारा कब मानी गई? राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना संविधान सभा के द्वारा कब मानी गई? तो यह मानी गई 22 जुलाई 1947 को। कब मानी गई? 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के आज के पार्ट में हमने महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की चर्चा की। इसी के आगे के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट फोर में हम संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अन्य सवाल और उसके आगे के टॉपिक पर वन लाइनर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अभी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।